नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आप लोग बहुत बार ये पूछते रहते हैं कि कैप्चर कार्ड क्यों जरूरी है और लाइव क्लास में कैप्चर कार्ड ले तो कौन सा कैप्चर कार्ड ले, कैप्चर कार्ड का काम क्या होता है, कि हम डायरेक्ट कैमरा से लाइव नहीं जा सकते हैं। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में कि कैप्चर कार्ड क्यों जरूरी होता है और कैप्चर कार्ड लेना भी है तो आपको कौन सा लेना है, क्योंकि कैप्चर कार्ड 999 रुपए से लेकर के 90,000 तक के मिलते हैं। आपके लिए कौन सा कैप्चर कार्ड सुटेबल रहेगा, मेरे कुछ पांच कैप्चर कार्ड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप किसी एक पे जा सकते हैं। और तो मैं पहले वो चीजें, मैं जो भी कैप्चर कार्ड है इसमें जो भी मैं नाम लिखा हूँ ये सबको मैंने पहले यूज किया है या कहीं ना कहीं सेटअप में मेरे यूज में है इन सारी चीजें, तभी मैं आपको लेकर के आया। आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना यही मेरा मकसद है, ताकि आपके लाइव क्लास में किसी तरीके का इशू, किसी तरीके का दिक्कत ना आए, ताकि आपके बच्चे आपसे कंटिन्यूअसली लगातार पढ़ सके। तो चलिए बात करते हैं कैप्चर कार्ड के बारे में। अब देखिए कैप्चर कार्ड क्या होता है कि हम लोगों को लगता ही है ना कि कैमरा से डायरेक्ट हम यूएसडीएमआई केबल के द्वारा अगर अपने सिस्टम में या लैपटॉप में लेकर के चले जाए वीडियो तो हमारा तो लाइव हो जाएगा, बट ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। अब देखिए एक कैप्चर कार्ड जो डिवाइस होता है वो क्या करता है, जो कैमरा का आपका एचडीएमआई लेकर के आता है ना, उस चीजों को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम या लैपटॉप को देता है, तब जाकर के आपका जो ओबीएस स्टूडियो है या यूट्यूब पे है आपके कैमरा को दिखना शुरू होता है। तो इसलिए कैप्चर कार्ड बहुत जरूरी है। बिना कैप्चर कार्ड का आप किसी भी कैमरा में, अगर वेबकैम ना हो तो कैमरा में, डीएसएलआर में, किसी तरीके की चीजों को आप वीडियो अपने सिस्टम पे नहीं ले सकते हैं जब तक आपके पास में वीडियो कैप्चर कार्ड होना। अब देखिए वीडियो कैप्चर कार्ड बहुत तरीके के हैं, मैंने बहुत सारे तरीके के वीडियो कैप्चर कार्ड यूज किए हैं और उसमें से जो बेस्ट में रहेगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि किसकी क्या खासियत है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैप्चर कार्ड के बारे में बात करते हैं वो है इटिजिन का 3.0 वाला कैप्चर कार्ड। अब देखिए 3.0 क्या होता है, देखिए दो तरीके का HDMI, दो तरीके का यूएसबी पोर्ट होता है, एक होता है 2.0 पोर्ट, एक होता है 3.0 पोर्ट। 3.0 पोर्ट थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा सा मतलब फास्ट होता है, 3.0 पोर्ट जो होता है वो फास्ट होता है। और जो ये इटजिन का है इसको मैं ना लगभग पिछले 2.5 सालों से यूज कर रहा हूँ और अभी तक ये खराब नहीं हुआ, अभी तक के वेल कंडीशन में चल रहा है। जब हम लोग पहला सेटअप किए थे तो उसमें हम लोग इटिजिन का यूज किए थे, इसका कीमत लगभग 9500 रुपया है अभी तत्काल मार्केट में, उस समय हम लोग को थोड़ा महंगा पड़ा था, 12-13 हजार में पड़ा था, बट ये 9500 का सबसे बेस्ट है। इसमें है एक ड्राइवर होता है, आप लगाएं अपना इन किए, इन करके यहाँ से आउट हो जाता है, आपका इन और आउट दोनों फंक्शन रहता है, जब आप लेंगे आपको पता चल जाएगा। आप सिंपली लगाएं अपने सिस्टम में, एक ड्राइवर रहता है नॉर्मल सा, इंस्टॉल किए और आपका ये काम करने लगता है। ये बहुत ईजी है और बहुत आसान है और मैंने इसको 2.5 साल से यूज करा, अभी तक ये खराब नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। उसके बाद दूसरा कैप्चर कार्ड के बारे में बात करते हैं। दूसरा कैप्चर कार्ड है इलगाटो का, इलगाटो का S60S+। देखिए ये है HD, इसको बोला जाता है 60, इसको बोलिएगा ना 60S करके आता है और एक S+ करके आता है। तो S+ का मैं यहाँ पे दाम लिखा हूँ, इसका 19,000 प्राइस है। S+ में थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें ज्यादा बेटर है S से, तो इसका दाम है 19,000 रुपये। आप सोचेंगे इतना महंगा वीडियो कैप्चर कार्ड है। अब देखिए वीडियो कैप्चर कार्ड का मेनली जो काम होता है ना वो आपके वीडियो को एज इट इज अपने सिस्टम में लेकर के जाना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कैप्चर कार्ड आपका कमजोर रहेगा या कैप्चर कार्ड आपका खराब रहेगा तब हो सकता है वीडियो 1080 पिक्सल में ले, लेकिन जो आपका कैप्चर कार्ड है उस चीजों को 1080 पिक्सल में ना दे करके रिजोल्यूशन वगैरह सारी चीज सेम, मतलब पिक्सल सारा सेम रखे बट रिजोल्यूशन उसका कम करके दे सकता है, ठीक है। तो ये जो कैप्चर कार्ड है ये एज इट इज आपको दे करके देगा, ठीक है। HD60S+ इसका मॉडल नंबर है, यहाँ पे देख रहे होंगे 60S+ इसका मॉडल नंबर, इसका दाम है 19,000 रुपए के करीब में। YouTube के जो भी आप देखते हैं ना, और इसमें फायदा एक चीज और है कि आप इसमें अगर लगातार 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे का अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो आपका जो कैप्चर डिवाइस है वो हीट होने का भी इशू इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, 19,000 रुपए का पड़ेगा ये। उसके बाद बात करते हैं एवीआरई मीडिया का। अब देखिए एवीआरई मीडिया बहुत सारे लोग नाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप सेटअप इसका कर दिए ना उसके बाद में ये इजी टू यूज है। यानी कि सेटअप करने में हो सकता है थोड़ा सा ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने में इशू करे, बट ये भी आपको मिल जाएगा लगभग 17,500 में, और ये भी इलगाटो की तरह ही है, बढ़िया है, मतलब यूज में है, ये यूज में है, आप 17,500 में ले सकते हैं। अगर मेरे पास में जो भी आपको कैप्चर कार्ड बता रहे हैं जिसका जिसका ऑनलाइन में अवेलेबल होगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो लिंक से भी बाय कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो मैं अंत में आपको वो भी कैप्चर कार्ड के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही किफायती, बहुत ही कम प्राइस का है जिसको आप ले सकते हैं। तो ये है एवीआरई मीडिया का कैप्चर कार्ड, ये काफी बढ़िया है और हम लोग भी बहुत सारे स्टूडियो में ये कैप्चर कार्ड यूज करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं,
अब देखिए बहुत सारे लोग सीपीयू यूज करते हैं, ये कैप्चर कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये आपको लैपटॉप अगर यूज कर रहे हैं तो ये जितने भी मैंने कैप्चर कार्ड इससे पीछे के जितने भी आपको कैप्चर कार्ड दिखाए ना, जितने भी पीछे के कैप्चर कार्ड दिखाए, ये सारे अगर लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन ये जो कैप्चर कार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आप सीपीयू में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल में ये लग जाता है। अब देखिए बहुत बार होता है ना कि कैप्चर कार्ड बाहर रहता है तो कभी हिलने का डर, कभी चूहा से काटने का डर, या कुछ भी हो सकता है इशू होने का डर रहता है, यानी कभी कट हो गया, कभी हिल गया, कभी प्लग खराब हो गया, जो भी चीजें होता है, क्योंकि निकाल बाहर होता रहता है, बाहर में कोई भी चीज रहेगा तो जल्दी खराब होगा। अब ना ये चीजें ना सीपीयू के अंदर भी आती है, ये कैप्चर कार्ड आप देख रहे हैं जो, ये सीपीयू के अंदर फिट हो जाती है, और इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस मात्र 20 हजार रुपया है, और एक कंपनी है ब्लैक मैजिक, ठीक है, ब्लैक मैजिक कंपनी। और ब्लैक मैजिक का जो लोग नाम पहली बार सुना उसको मैं बता दूं कि एक बहुत ही अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कलर ग्रेडिंग के लिए, जो कि जिसमें हॉलीवुड की सारी मूविया वगैरह एडिट होती है, उसका नाम है डाविंची रिजोल्व। और आपको पता है डाविंची रिजोल्व ब्लैक मैजिक कंपनी की ही है, तो ब्लैक मैजिक वीडियो वाले सेक्टर में बहुत लंबे समय से है। और ये अगर आप 20 हजार रुपये का लगाते हैं ना, जो मैंने जो बोला ना कि 90 हजार तक का आता है, 90 हजार का भी कैप्चर कार्ड ब्लैक मैजिक का ही आता है। बहुत बड़े बड़े गेमर जो होते हैं या पीडीपी वगैरह, वो सारे लोग ब्लैक मैजिक वगैरह यूज करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है ना कि ये अगर ब्लैक मैजिक का कैप्चर कार्ड लेंगे, ये 20 हजार का आएगा, और ये इंटरनल में ही लग जाता है, आपके सीपीयू के इंटरनल में लग जाता है, और एक बार अगर ये फिट हो गया तो इसमें कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ओबीएस ओपन की और ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये काफी इजी टू यूज है। अगर आप सीपीयू ले रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा कि अगर प्राइस सेगमेंट है आपके पास में अच्छा खासा कि आप लगा सकते हैं कैप्चर कार्ड पे, तब ब्लैक मैजिक का कैप्चर कार्ड लीजिएगा। अब उन लोगों के लिए जो लोग यहां तक वीडियो देख लिए और सोच रहे हैं कि कुछ सस्ता में मिल जाए और कुछ बेहतर भी हो, तो उन लोगों के लिए एक कैप्चर कार्ड है मात्र 999 रुपया में, ठीक है। ये आता है माइक्रोवेव यूएसबी 2.0, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या जो लोग लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देंगे। जो भी देखिए जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, जिस चीजों में आपको हेल्प चाहिए होगा, तो मेरा नीचे ये भी व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर के लिख सकते हैं कैप्चर कार्ड, मैं आपको लिस्ट और लिंक के साथ में आपको भेज दूंगा, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। ये मात्र आएगा 999 रुपए का, और इसकी खासियत मैं क्या बताऊं, देखिए हम लोग सिंपल सा है ना, इजी टू यूज चाहते हैं कोई भी चीज है, और मैं ना हमेशा से रेजिस्टेंस कम रखना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं कोई वीडियो बनाने जाऊं और कोई भी कैप्चर कार्ड वगैरह सेट करने जाऊं तो इसमें 13-14 रेजिस्टेंस ना हो, ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए, फिर फिट कीजिए, फिर सेट कीजिए, फिर रिजोल्यूशन मिलाइए, ये रेजिस्टेंस में जहां तक हो सकता है वहां तक कम करने की कोशिश करता हूँ। और इस यूएसबी की खासियत मैं बता देता हूँ कि प्लग एंड प्ले वाला टाइप का सिस्टम है इसका, यानी कि आप इसको प्लग किए, एचडीएमआई आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एचडीएमआई लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे यूएसबी में डालें, आप लैपटॉप में यूज करना है लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज करना सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब इजी टू, और इतना छोटा सा साइज होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी क्वालिटी वगैरह की बात करें, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसी कैप्चर कार्ड के माध्यम से हो रहा है, तब ये समझ सकते हैं कि कैप्चर कार्ड बढ़िया है तभी मैं यूज कर रहा हूँ। और इसी कैप्चर कार्ड को हम लोग क्या करते हैं ना, ये कैप्चर कार्ड 3-4 एक्स्ट्रा में रख लेते हैं। देखिए जाहिर सी बात है सस्ता कैप्चर कार्ड है तो हो सकता है साल भर 6 महीने में खराब हो जाए, अगर ज्यादा यूज करेंगे, हम लोग का ज्यादा यूज नहीं है, अगर 16-16 घंटे की क्लासेज है तब ये हो सकता है हीट करे और इशू करे, इसमें कुछ इशू आ सकता है। बट अगर आपका 8 घंटे, 6 से 8 घंटे के अगर आप क्लासेज ले रहे हैं और वो भी अगर लगातार नहीं है, तो ये मैं दावा करता हूँ कि 1 साल 1.5 साल 2 साल इसमें कोई खराबी होने की जरूरत, ये कभी खराबी नहीं होगा अगर आप 8-10 घंटे क्लास ले रहे हैं लेकिन बीच में कुछ गैप भी रख रहे हैं तो, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू हल्का सा रहता है, बट ना ये अगर लगातार 16-17 घंटे क्लासेस चलिए, तब मैंने जो पीछे बताया उन सब चीजों पे जाइए। लेकिन अगर आप बिगिनर है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस का और आप चाहते हैं 6-8 घंटे क्लास लेना, तब इसके साथ में शुरू कीजिएगा, 999 रुपये इसका प्राइस है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समअप करते हैं, और उम्मीद है आपको ये मैंने जो भी कैप्चर कार्ड के बारे में बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सीपीयू के बारे में जानना है तो आई बटन पे यहाँ पर लिंक दिया हुआ, आप जाकर के कौन सा सीपीयू लेना है उसके बारे में जान सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।